म्यू अपॉन गामा डब्ल्यू. ओके, सो कोफिशियंट ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप पढ़ सकते हो. ओके, देन इसके बाद आपका परमेबिलिटी यहाँ पे खत्म हो जाता है. देन उसके बाद वेल हाइड्रोलिक्स में हम बात करते हैं तो स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है और स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होता है. ओके, स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन आपका इंपॉर्टेंट है. स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन में जो आपका रिलेशनशिप होता है, तो स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू पोरोसिटी होता है. कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है, टी इज इक्वल टू के इनटू एच होता है. ठीक है ना, तो यहां से ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. और स्पेसिफिक यील्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर, यील्ड कितना हुआ अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, और स्पेसिफिक रिटेंशन मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम. सिमिलरली अनकन्फाइंड एक्वीफर के लिए आपको जो थीम्स थ्योरी और डिपेट्स थ्योरी है, थीम्स थ्योरी और डिपेट्स थ्योरी के आपको क्यू की वैल्यू निकालना आना चाहिए, किस तरह निकालते हैं. सिमिलरली आपको कन्फाइंड एक्वीफर के लिए भी निकालना आना चाहिए. ओके, तो यहां से आपका सॉइल मैकेनिक्स में, वेल हाइड्रोलिक्स में ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस डायरेक्टली यहां से उठते हैं. वॉल्यूम ऑफ परमेबिलिटी इंपॉर्टेंट, देन कॉम्प्रेसिबिलिटी कोफिशियंट ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी एवी से डिनोट करते हो आप. कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी कॉम्प्रेसिबिलिटी इज एवी. एवी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, चेंज इन वॉइड रेशियो ई1 माइनस ई2 अपॉन सिग्मा 2 बार माइनस सिग्मा 1 बार. ओके, तो यहां से आपका एवी इंपॉर्टेंट है, कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी कॉम्प्रेसिबिलिटी. और डेल्टा वी अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल एच नॉट, ये भी इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप चेंज इन वॉल्यूम का. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन क्या होता है सीसी, ये भी आपको पता होना चाहिए. देन ये आप पढ़ सकते हो, ई1 माइनस ई2 अपॉन लॉग 10 सिग्मा 2 बार माइनस सिग्मा 1 बार, लॉग 10 सिग्मा 1 बार. ओवर कंसोलिडेशन रेशियो पढ़ सकते हो, मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस अप्लाइड इन द पास्ट अपॉन योर एग्जिस्टिंग इफेक्टिव स्ट्रेस रेशियो होता है. और ओवर कंसोलिडेशन रेशियो एक से ज्यादा होता है तो आपका ओवर कंसोलिडेटेड होती है, और अगर आपका 1 से कम और 1 के बराबर होता है तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल होती है. ठीक है, देन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू सी वी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, पता होना चाहिए आपको. डेल यू अपॉन डेल जेड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर विद डेप्थ. और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, एम वी. एम वी से डिनोट करते हैं, ए वी अपॉन 1 प्लस ई नॉट होता है. ए वी होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी. ठीक है, तो वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी पता होना चाहिए आपको. ठीक है, ये सारे फैक्टर्स और डेफिनेशन पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए सॉइल मैकेनिक्स में, कुछ भी पूछ सकते हैं वो आपसे. ठीक है, देन उसके बाद टाइम फैक्टर और व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू डिटरमाइन योर कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन. सीवी निकालने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, एक तो आपका लॉगरिथमेटिक टाइम होता है ऑफ टाइम फिटिंग मेथड और आपका स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड. ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड में सीवी जो आप निकालते हो t90 डी स्क्वायर अपॉन t90 स्मॉल t90. तो t90 जो होता है टाइम एट 90% कंसोलिडेशन होता है और टाइम फैक्टर आप निकाल देते हो वहां से. ठीक है ना, सीवी और ड्रेनेज पाथ होता है डी. सिमिलरली लॉगरिथमेटिक ऑफ टाइम फिटिंग मेथड में भी आपको पता होना चाहिए. तो जो आपका स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड होता है वो सॉइल के लिए हैविंग हायर सेकेंडरी कंसोलिडेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, कंप्रेशन रेशियोज पढ़ सकते हो. एंड टोटल सेटलमेंट आपको पता है, इनिशियल सेटलमेंट होता है प्लस प्राइमरी सेटलमेंट होता है और सेकेंडरी सेटलमेंट होता है. तो इनिशियल सेटलमेंट आप किस तरह निकालते हो, एच नॉट अपॉन सी एस लॉग 10 सिग्मा नॉट बार प्लस चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस अपॉन सिग्मा नॉट बार. ओके, तो यहां से आप इनिशियल सेटलमेंट निकाल सकते हो. ये डायरेक्टली आपसे पूछेंगे नहीं जनरली, बट आपको पता होना चाहिए प्राइमरी सेटलमेंट और सेकेंडरी सेटलमेंट होता क्या है. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. देन इसके बाद आपका सीपेज एनालिसिस में इफेक्टिव स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है. इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर. क्विकसैंड कंडीशन पूछ लेते हैं आपसे, क्विकसैंड कंडीशन क्या होती है. सो इट इज नॉट अ टाइप ऑफ सैंड एंड इट अकर्स व्हेन योर नेट इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस बिकम जीरो. ओके, तो आपका जब नेट इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस जीरो हो जाता है तब उसको आप बोलते हो कंडीशन को क्विकसैंड कंडीशन. जो आपका सीपेज अकर्स होता है वर्टिकली अप थ्रू द सैंड्स और कोहेशनलेस सॉइल्स में निकलता रहता है. ठीक है, तो यहां से आपका क्विकसैंड कंडीशन की कंडीशन आपको पता होना चाहिए, आईसी. जब आपका क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई. ओके, और यहां से आप सीपेज डिस्चार्ज, जो आपका फ्लो नेट बनता है, फ्लो नेट किस किस के बीच में बनता है, इक्विपोटेंशियल लाइंस क्या होती हैं और आपका ड्रॉप्स क्या होते हैं, चैनल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए. क्यू इज इक्वल टू के एच एन एफ अपॉन एन डी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है. और यहाँ से आपका फ्रेटिक लाइन क्या होती है, फ्रेटिक लाइन आपकी टॉप फ्लो लाइन होती है विद फॉलोज द बेस पैराबोला. ओके, यहाँ से आपको बेस पैराबोला की लाइन फ्रेटिक लाइन पता होना चाहिए. देन उसके बाद आपका कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल आता है, तो कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, इसमें सारे टेस्ट देखेंगे शेयर स्ट्रेंथ के. देन और आपका डीप फाउंडेशन वेल फाउंडेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के साथ साथ, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग पार्ट टू के अंदर.
और मैं आप लोगों से डिस्कस भी करूंगा, आप लोगों के साथ मैं एक डिस्कशन करना चाहता हूँ अबाउट योर इंटरव्यू, ओके, बीपीएससी हो चाहे वो यूपीपीएससी हो, और आप लोग के साथ मैं एक पोल शेयर करूंगा, और आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट मंडे का बता सकते हैं कि अगर आप फ्री हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं टाइम क्या सुटेबल रहेगा, अदरवाइज मैं एक टाइम मेंशन करूंगा, उसमें जो भी आपकी क्वेरीज होंगी इंटरव्यू से रिलेटेड मैं लाइव आऊंगा और उसमें लाइव हम हैंडल करेंगे, स्ट्रीम करेंगे. ओके, सो दिस इज कॉन्क्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल बी प्रिपेयरिंग आवर नेक्स्ट वीडियो इन वन और टू डेज. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर मोटिवेशन. आप लोगों ने ही बोला है कि सर कंटिन्यू करिए अपने सब्जेक्ट्स को, इंटरव्यू सेशंस को, तो आप लोगों की वजह से ही मैंने ये वीडियो भी बनाया है. ओके, तो आप नेक्स्ट हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का पार्ट भी लेके आएंगे, देन उसके बाद हम उसके वाटर वाला पार्ट कर देंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म करेंगे, देन उसके बाद ओसीएफ ओपन चैनल फ्लो, और आपका पूरा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो ही गया था, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग भी खत्म करेंगे, सर्वेइंग को पढ़ेंगे, ठीक है, और आपका सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड, और आपका ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन स्ट्रक्चर्स से भी आपके क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है ना, ईआरडीएस. ओके, तो यहां से भी हम सारी चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर, और मैं अगर आपको बताऊं तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंट जितना आप रहोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए इंटरव्यू में उनके पैनल के पॉकेट से मार्क्स खींच सकते हो. कॉन्फिडेंस आपको दिखाना है हमेशा, कॉन्फिडेंस लूज मत करना, कॉन्फिडेंस एक बार आपका लूज होगा तो वहां पे वो समझ जाएगा कि आपको नहीं पता कुछ भी, ठीक है, तो प्लीज अपने मेंटेन करिए कॉन्फिडेंस. और आप सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, टेलीग्राम चैनल भी मैंने एक बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इंटरव्यू का गाइडेंस के हिसाब से बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, वो भी आप वॉच कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक.